आज मैं अपने फेवरेट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, बल्कि अपने फेवरेट पर्सन के बारे में। इट इज सिबलिंग लव, नहीं सिस्टर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर लव नहीं, बल्कि ब्रदर एंड सिस्टर वाला लव। इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में वी डोंट यूजुअली टॉक एज मच एज वी टॉक अबाउट अदर बॉन्ड्स, अदर रिलेशनशिप्स। लेकिन क्योंकि आज हैप्पी रक्षाबंधन है, तो इस टॉपिक के अलावा दूसरी कोई बात नहीं करेंगे। पहले ही बताइए, आपने अपने भाई के लिए क्या खरीदा है, आपने बहन के लिए क्या लिया है। देखिए, कुछ खरीदा हो ना खरीदा हो कोई बात नहीं, मटेरियल चीजें भाई बहन के बीच में नहीं आनी चाहिए, जायदाद भी नहीं आनी चाहिए। भाई बहन का ये रिश्ता एक ऐसा कीमती रिश्ता है दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट इफ यू वांट अ लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ फ्री एंटरटेनमेंट। आई फील ब्रदर्स एंटरटेन अस द मोस्ट। जिंदगी में कभी बॉयफ्रेंड तक से 4 घंटे लंबी फोन कॉल नहीं की है, लेकिन भाई के साथ मेरा 5 घंटे का रिकॉर्ड है। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा, मैं हूँ फबीहा सैयद। रक्षा का मतलब होता है हिफाजत, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, टू सेव गार्ड समथिंग। तो आज हिफाजत लफ्ज पर हम फोकस करेंगे। रक्षाबंधन का मतलब भी यही होता है कि बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसकी लंबी उम्र, सेहत और खुशहाली की कामना करते हुए, और बदले में भाई उसकी रक्षा और उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करने का वचन देता है। बट बहनें भी तो भाइयों की रक्षा करती हैं, कर सकती हैं, उसकी बात कोई नहीं करता है। और मुनव्वर राना का भी तो इतना प्यारा शेर है कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। तो जब जिंदगी घाव देती है तो उस पर मरहम भाई या बहन ही रखते हैं। और जो ये कहते हैं कि शराब पीने से आदमी बहक जाता है, उन्हें शायद ये नहीं पता कि जायदाद के मामलों में आदमी सबसे पहले बहकता है। मैंने बहुत जनरलाइज करके बात कही है, ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन ज्यादातर मरीज जायदाद के बंटवारे के रोग से जूझ रहे होते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि बड़े होकर प्रॉपर्टी को लेकर एक दूसरे से चालाकियां नहीं करनी है। मैं बहन हूं तो बहनों से ही डायरेक्टली बात करूंगी कि अपने भाई को बल्कि अपने हिस्से में से कुछ ईंटें दे दें आप। इस रिश्ते के आगे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी सिर्फ ईंट का कट्टा ही होना चाहिए और उससे ज्यादा कुछ नहीं। सही कह रही हूं ना? आज रक्षाबंधन के मौके पर रक्षा वर्ड पर जोर देते हुए हिफाजत की बात करेंगे। ऐसा क्या है जिसकी हिफाजत आप करना चाहते हैं? कोई पर्सनल रिश्ता, अपना स्टेट ऑफ माइंड, या कोई मेमोरी दैट यू वुड लाइक टू सेव गार्ड? जो भी हो, थिंग्स दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड शुड बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट। जावेद साहब को आप देख लीजिए, ही इज टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग द डेमोक्रेसी। उन्हें लगता है हिफाजत तो डेमोक्रेसी की भी बनती है ना भैया, तो सुन लेते हैं उनकी नज्म क्या कह रही है। इसका उन्वान है नया हुक्मनामा। जावेद साहब लिखते हैं, किसी का हुक्म है सारी हवाएं, हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है, किधर जा रही हैं। हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी अब तो क्या रफ्तार होगी। हवाओं को ये इजाजत नहीं है कि आंधी की इजाजत अब नहीं है। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत उनकी करना है जरूरी। और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, जरा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरें। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है ये उनका हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा अब चुपचाप बहना। किसी का हुक्म है, इस गुलिस्ता में बस एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्ता किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल तो यकरंगी होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्ता में कभी भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते, कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बागे यकरंगी बनाना चाहे थे, उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं, तो कितने परेशान हैं, कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए,
हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं? हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। किसी को ये कोई कैसे बताए? अब अर्श मलसियानी की जो नज्म है अर्ज़े वतन, आपको उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं सुना रही हूँ। इसमें वो हिमालय की हिफाजत करने की बात कर रहे हैं। पेट्रियोटिज्म है इसके अंदर, डायरेक्टली डेमोक्रेसी नहीं है, पर हाँ वो अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। और जो प्रोटेक्ट करता है हिमालय, उसको किस तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए, उस पे लिखते हैं कि हिमालय की अजमत की हमको कसम, हिमालय की रिफत की हमको कसम, हिफाजत हिमालय की अब फर्ज है, हिमालय का हम पर बड़ा कर्ज है। अब आपको सुनाते हैं एक मेमोरी, ऐन ताबिश की ये नज्म है जिसका नाम है पुरानी फाइलों में गुनगुनाती शाम। तो यहाँ पे हिफाजत किसकी हो रही है? यादों की, पुरानी बातों की, पुराने खतूत की। लिखते हैं कि अब इन बोसीदा कागज के पुलंदों की जरूरत क्या बची है, इन लिफाफों पर पते सारे पुराने हो चुके हैं, इनको रखना किस लिए, बेरंग तहरीरों में डूबे इन खतों की क्यों हिफाजत चाहिए, ये पुरानी फाइलें जाए अगर हो जाएं तो नुकसान क्या है, हाथ क्यों रुकते हैं इन कागज के टुकड़ों को जलाने में, अब इनकी मानवियत क्या बची है, इतने माह साल के बाद इस जमाने में महक कैसी है इनमें, या जो खुशबू से लपकती है, तो क्या है ये रुतों का खरखशा, अब कोई रुत होगी कि जिसने कागजों पर छोड़ रखा है असर, बरसों गुजरते हैं नहीं कुछ भी नहीं याद आता है, लेकिन ये मेरे हाथ इनको छूते ही क्यों कांपने लगते हैं, पहले भी तो बोसीदा बहुत कागज जलाए हैं, न जाने इन पुरानी फाइलों पर कौन से गुजरे हुए लम्हों के साए हैं। अब कांटे फूल की हिफाजत कैसे करेंगे? वसीम बरेलवी से सुनिए। लिखते हैं कि फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। अब आप सुनिए शकील बदायूनी का ये शेर कि गुलची ने तो कोशिश कर डाली, सूनी हो चमन की हर डाली, कांटों ने मुबारक काम किया, फूलों की हिफाजत कर बैठे। फरत हजाज कहते हैं कि मेरे दिल की तबाही की शिकायत पर कहा उसने, तुम अपने घर की चीजों की हिफाजत क्यों नहीं करते। यानी दिल में जो एहसासात हैं वो हमारे घर की चीजें हैं, उनकी हिफाजत कर लीजिए, खाम खां किसी के पीछे खुद को तबाह मत कीजिए, सोचने वाली बात है। अभिषेक शुक्ला का भी आप ये शेर सुनिए। लिखते हैं, मैं यूं ही नहीं अपनी हिफाजत में लगा हूं, मुझ में कहीं लगता है कि रखा हुआ तू है। वाह, मैं यूं ही नहीं अपनी हिफाजत में लगा हूं, मुझ में कहीं लगता है कि रखा हुआ तू है, क्या बात है। भाई जो होते हैं वो हर तरह की शेप एंड फॉर्म में आते हैं, कुछ ज्यादा गुसैल होते हैं, कुछ चिड़चिड़े होते हैं, उन्हें देखकर भाई जैसी नहीं कट्टर सास जैसी फीलिंग आती है, कुछ बड़े हसास और सेंसिटिव होते हैं, उनसे भी बात करते हुए डर सा लगता है, पता नहीं कब क्या बुरा लग जाए उन्हें, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी कह दो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात नोटिस कीजिएगा, आपकी पहली तकलीफ में भागकर सबसे पहले अगर कोई आएगा तो आपका अपना सिबलिंग होगा, भाई या बहन, चाहे कैसा भी हो जरूर आएगा। अगले हफ्ते भी कुछ आएगा, क्या आएगा? उर्दू नामा का वो एपिसोड जिसमें हम सेलिब्रेट करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी पोएट को, जो लिरिसिस्ट भी हैं और जिनके गाने जब आते हैं तो फिल्में हिट हो ना हो गाने जरूर जबानों पर चढ़ जाते हैं। आई थिंक आपको आइडिया हो ही गया होगा, नहीं? चलें कोई बात नहीं, उसके लिए आप अगले हफ्ते का वेट करिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ उर्दू नामा एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। खुदा हाफिज। उर्दू नामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने,
होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।